अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल क्या हाल चाल हैं आप सबके मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो इस पैकेज के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार में थी तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैंने फ़ौर से रिसीव किया क्योंकि घर की कुछ ऐसी चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी छोटी मोटी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ आजकल मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ टीमों के बारे में तो मैंने सोचा कि टीमों से कुछ मंगवा कर देखते हैं और क्वालिटी देखते हैं कि कैसी है टीमो एक मार्केट प्लेस ऐप है जहाँ से आप जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं टीमू पर आपको आसानी से हर तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाते हैं अब चाहे वो आपके किचन रिलेटेड हो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हों या फिर फैशन से कुछ रिलेटेड हो तो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है तो अभी न्यू ईयर की सेल चल रही है अप टू नाइन्टी परसेंट आपको टीमो ऐप आप पर मिल जाएगा और उसके अलावा आप जो है वो मेरा थर्टी परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट कोड भी यूज़ कर सकते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है ज़रूर जो है वो टीमो ऐप को चेकआउट करें और अपने लिए भी बहुत अच्छी सी चीज़ें जो है वो ऑर्डर करिएगा आपको बहुत अच्छी लगेंगी क्योंकि क्वालिटी बहुत अमेजिंग है तो सबसे पहले मैंने ये वेस ऑर्डर किया था इसके साथ मैंने आर्टिफिशियल रीड ऑर्डर की थी क्योंकि काफ़ी आजकल फैशन में अच्छी लगती है लुक बहुत प्यारी थी और वैसे ही मुझे आजकल जो है वो ग्रीन और ब्लू कलर बहुत अट्रैक्ट करता है इसके अलावा यह है हैंड चॉपर जो कि बहुत हैनी रहता है फ़टाफट से चीज़ें बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं मेरा पुराना वाला ख़राब हो चुका था टीमू पे जब मैंने देखा तो मैंने कहा इसकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी लग रही हैं तो ऑर्डर करके देखते हैं और प्राइस भी बहुत अच्छे थे सारी चीज़ें मैं यूज़ करके आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगी ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए अच्छा इस ऑर्डर के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए भी थी क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ मैंने ऑर्डर करी है जिसकी ख्वाहिश मुझे बहुत पहले से थी मतलब बहुत सालों से थी कि मेरे पास वो हो या मुझे मिल जाए कहीं से ताकि मैं वो उसमें खाना वगैरह जो है वो सर्व करूं और आई एम श्योर कि जब आप भी देखेंगे आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और ये ब्लैक कुकिंग यूटेंसिल्स सिलिकॉन के हैं वुड और सिलिकॉन है तो uh, ये भी काफ़ी अच्छे और हैंडी रहते हैं मेरे वैसे ही ख़राब हो रहे थे तो मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं बाकी इसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे जिस किचन का, uh, का आपके प्रोडक्ट्स हैं उसी कलर uh, के रिलेटेड आपको ये यूटेंसिल्स ईजिली मिल जाएंगे फिर ये मैंने जो है वो न्यू uh, फैशन का जो ग्रेटर uh, चॉपर जो भी होता है ऑल इन वन वो भी ऑर्डर कर दिया था और इसको भी मैं यूज़ करके दिखाऊंगी सारी चीज़ें जो है वो बहुत अमेजिंग है कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें देखकर हम कहते हैं कि यार मंगवा लेंगे काफ़ी अच्छी और हैंडी लग रही है तो बस हिम्मत नहीं पड़ी होती ना ही मुझे वो नज़र आ रही थी तो टीमू पे मुझे आ, मिली और मैंने फ़ॉरन से ऑर्डर कर दी उसके बाद ये आ, जो मोल्ड्स आते हैं ये बहुत हैंडी रहते हैं बच्चों के आपको अगर पैन बनाने हैं अच्छे डिफरेंट स्टाइल के एग्स बनाने हैं या चिकन पैटीज कबाब बनाने हैं तो इसमें डिफरेंट तरह के मैंने शेप्स ऑर्डर किए थे मतलब डॉलर टू डॉलर की आपको बहुत अच्छी जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं और ये कप मैंने अली के लिए ऑर्डर किया था अक्सर क्या होता है कि सुबह चाय मैं उनको देती हूँ तो वो घर के ही कप्स उठा कर ले जाते हैं और जब वो एक बार चले जाते हैं तो फिर वो वापस आना बहुत मुश्किल है और जब आते हैं तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको वापस घर में रखूँ और ये स्टीमर आजकल ये भी बहुत ज़्यादा हर घर में पाया जाता है नज़र आ रहा होता है तो मुझे ये भी टीमों पे मिल गया था और इसके भी प्राइस बहुत अच्छे थे तो जितनी भी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं ना मैं सबके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए और आप भी चाहे उसको ऑर्डर कर सकें अच्छा तो ये स्टीमर मैंने आर के लिए ही मंगवाया था कि उसकी वेजिटेबल्स फ़्रूट्स वगैरह जो स्टीम करने होते हैं इसमें ईजीली स्टीम हो जाते हैं और ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये फूड कवर करने के लिए अम्ब्रेला है मतलब अक्सर क्या होता है ना फूड बग्स वगैरह आ जाते हैं तो अगर आपके फ्रूट्स टेबल पर रखे हो तो आप इसको कवर कर सकते हैं और जिसका इंतज़ार था जो मैं आपको बोल रही थी कि वो चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार था तो वो ये थाली थी जिसमें पोर्शन बने होते थे वैसे ये इंडिया में बहुत यूज़ की जाती है तो मुझे बहुत शौक था कि मेरे पास थाली हो और यू you नो know, जब हलवा पूरी बने तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम इसमें सालन थोड़े से चावल एक रोटी हो तो इस तरह पोर्शन दिए हुए थे और ये पोर्शन ट्रे मैंने मंगवाई थी निहारी की सब्जियां काटने के लिए या फिर हलीम के जो लवाज़मत होते हैं वो काट के रखे अच्छे लगता है और ये जैकेट अलाय के लिए मंगवाई थी साइज़ वन थर्टी है माशाल्लाह ये पाँच साल की है तो इसको ये पूरी आई थी और बहुत अच्छी वार्म भी है और ये स्पाइस जो जार है ये आप लोग काफ़ी बार मुझसे पूछ रहे थे तो मुझे तो खैर डॉलर स्टोर से हमारे यहाँ मिला था लेकिन ये वाला मुझे टीमों से मिल गया है इसके अंदर मैंने साबित गर्म मसाला रखना ताकि वो मुझे अलग अलग नज़र आए एक ही जगह पर तो ये थाली है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको यूज़ करने के लिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो यूज़ करेंगे तो ये जो मैंने बैग्स का वो मंगवाया था डिस्पेंसर ये काफ़ी हैंडी है क्योंकि अक्सर जो है वो बैग्स आते हैं बाहर से शॉपिंग बैग्स वगैरह तो तो वो इस तरह से ना मुझे अच्छे नहीं लग रहे होते बाहर पड़े हुए इतने सारे तो मैंने कहा ये डिस्पेंसर अच्छा है इसमें बैग्स जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज लगेंगे ऊपर से आप जो है वो बैग्स फ़िल कर दें और नीचे से आप जो है वो ईज़िली निकाल लें मेरे घर में बहुत यूज़ होता है थैंक यू बैग क्योंकि अक्सर मेरी को चाहिए होता है फिर बाथरूम के लिए यूज़ हो जाता है या फिर अली को मैं खाना पैक वग़ैरह करके देती हूँ तो वो बैग में ही जाता है उसके अलावा छोटी छोटी खुशियों की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये मेरी छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं जो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ मुझे इस तरह की चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं और अच्छी भी लगती हैं और घर में भी रखी हुई ना प्यारी लग रही होती हैं तो बॉटल्स की जगह ये डिस्पेंसर हो गया या फिर छोटे छोटे वेस वगैरह काफ़ी प्यारे लगते हैं मतलब ऐसा लगता है ना कि घर फुली ऑर्गेनाइज है मतलब ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइज़ होगा लेकिन यह है कि आम, टीमू और काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट प्लेस एप्स हैं उनके थ्रू जो है वो हमारा घर काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है तो ये था सारा हॉल और ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगी और थर्टी परसेंट ऑफ का क्यूपॉन भी मैं ऐड कर दूंगी और अपने घर को भी आप जो है वो इस टीमो ऐप से ऑर्गेनाइज़ करें आप लोगों को ऐप बहुत अच्छी लगेगी साथ में चीज़ें भी बहुत अमेजिंग है उसके बाद मैं आ गई थी ग्रोसरी करने के लिए आज घर पर थे तो मैंने कहा सुबह सुबह में जाकर जो है वो ग्रोसरी कराती अभी बच्चों की जो है वो विंटर हॉलीडेज चल रही हैं तो इसलिए मैं आम... बड़े बच्चों को घर छोड़ आई थी अली के पास और आरस को अपने साथ ले आई थी मुझे काफ़ी लोगों के डी और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जो न्यूज़ में स्नो स्ट्रॉम का सुनने में आ रहा है क्या वाकई वो सच है मतलब आपकी तरफ क्यों नहीं स्नो स्ट्राम आया हुआ तो मैं एक बात को क्लियर कर देती हूँ कि अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके अपने स्टेट्स हैं तो हर स्टेट के अपने वेदर्स हैं तो इसलिए जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ पर सर्दी है लेकिन कोई स्नो वगैरह नहीं होती है हमारे यहाँ जो आप न्यूज़ सुन रहे हैं वो न्यूयॉर्क बफलोसाइड की है तो वहाँ पर काफ़ी बुरा स्नो स्ट्राम आया है मतलब हिस्ट्री का सबसे बड़ा है वो और काफ़ी लोगों की जान चली गई है मतलब वहाँ पे लाइट वगैरह कितने घंटों तक नहीं थी तो आ, उनको कोई हेल्प भी नहीं मिल सकी जिनके कार एक्सीडेंट एक्सीडेंट रोड हुए थे तो मतलब अल्लाह ताला बस सबकी हिफाजत करे पूरी दुनिया को पूरे मुल्क को अपने अपनी अमान में रखे लोगों की बच्चों की बड़ों की सबकी हिफाजत करे तो बस आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में क्या क्या सुनने में आ रहा है तो अभी बस अच्छे की ही दुआ कर सकते हैं अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं अब आने वाला जो साल है वो अल्लाह करे हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो आमीन सुब और यहाँ पर मुझे इस बार मेरा फेवरेट ब्रांड गोपी का देसी घी मिल चुका था तो नानक का कभी नहीं लीजिएगा इसमें इतनी इतनी स्ट्रांग स्मेल होती है ना कि मैं उस स्मेल uh, को स्टैंड नहीं कर सकती मैं घर पे भी घी बना लेती हूँ लेकिन कभी कभी होता है ना कि बहुत टाइम टेकिन होता है तो मैं जो हूँ इसलिए गोपी ब्रांड का ले आती हूँ और इन शाला न्यू ईयर आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि घर पर ही मैं अच्छी सी मील बनाऊँगी डिनर रेडी करूँगी फिर हम सब एज अ फैमिली बैठ जो है वो मज़ेदार सा डिनर इन्जॉय करेंगे आप लोग के क्या प्लान है ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा तो आ, ये जो आ, टी रस है ना अगर आपने ट्राई नहीं किया अब यू में रहते हैं ये एक बार ट्राई करें मतलब मेरी बहन आ, पाकिस्तान में है और जब वो यहाँ पर आती है ना तो वो कहती है बस मुझे ये रस ही खाने होते हैं चाय के साथ मैं इसीलिए शायद यहाँ पर आती हूँ उसको आ, पाकिस्तान के भी रस इतने अच्छे नहीं लगते जितने ये वाले इतने टेस्टी होते हैं फिर नूडल्स बच्चों के लिए काफ़ी हैंडी रहते हैं और जब मैंने जार मंगवाया था ऑल स्पाइसिस का वो मैं यहाँ पर अपना सबित करा मसाला ढूंढ रही थी कि कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए क्योंकि घर में ख़त्म भी हुआ हुआ, हुआ है काफ़ी चीज़ें और फिर ये हिमालयन सॉल्ट वगैरह बस ये जो बेसिक सी चीजें होती हैं घर पे वो लेकिन जब मैं आज हयात मार्केट आई ना मैं आपको बता नहीं सकती मुझे आठ नौ साल बाद ये लाल वाली गाजरें देखने को मिली हैं पता नहीं मिलती होंगी दूसरे स्टेट में लेकिन मैंने हमारे एल में फर्स्ट टाइम ये लाल गाजरें देखी और मैंने तो फटाफट -फड़ से उठा ली और लाल गाजरें देख मुझे पता क्या चीज़ जहन में आई थी कि मैं जल्दी से जो है वो आलू मटर और गाजरों की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में जो है वो गजरेला बनाएंगे न्यूयॉर्स पर इनशाला बस ये होता है छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जब आपको नज़र आ जाती है ना काफ़ी टाइम बाद तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं मतलब तो बहुत खुशी फील होती है अंदर से कि चलो यार फाइनली यहाँ पर भी हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है वरना जो ऑरेंज वाली गाजरें होती हैं ना उनका टेस्ट इतना टेस्टलेस होता है और ये ये वाली जो गाजर होती है ना मीठी होती है और इसमें फ्लेवर होता है तो शुक्र है मुझे मिल गई काफ़ी टाइम बाद और मैं बहुत एक्साइटेड थी जैसे ही आज मैं लेकर आया ना मैंने कहा आज तो हमने आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बनानी है और बस उसी की मैं तैयारी करने लगी हूँ तो सबसे पहले तो मैं आटा जो है वो गूंदने के लिए रख दूंगी ताकि आटा अपना बनता रहे और साथ में मेरा सालन भी रेडी हो जाएगा अच्छा आज तो मुझे सुजाता आटा नहीं मिला आज मुझे लक्ष्मी मिला लेकिन इसका कलर थोड़ा चेंज था आ, लेकिन मैंने जब यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मतलब सही होल वीट आटा है जो सुजाता है ना वो थोड़ा सा वाइट है मुझे लगा शायद उसमें वो वो प्योर आ, होल वीट नहीं होगा वो शायद मिक्स होगा तभी उसके पराठे जो है वो थोड़े वाइट वाइट से बनते हैं रोटी वाइट वाइट सी बनती है लेकिन लक्ष्मी जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने रोटियां बनाई और बस ये मशीन का भी यही फ़ायदा है आ, अब आ, कुछ लोग मुझे डी कर रहे होते हैं कि कैसे यूज़ करना है कितनी क्वांटिटी लेनी है मैं बोलती हूँ अगर आपके पास दूसरे ब्रांड की मशीन है तो मुझे नहीं पता कि उसका टाइमर वग़ैरह क्या है इसमें तो हमें वन से लेकर फ़ाइव तक के ऑप्शंस दिए हुए हैं तो मैं स्टार्ट करती हूँ वन से क्योंकि एकदम तेज़ से ऑन करूँगी तो आटा उड़ भी सकता है गिर भी सकता है बाहर आ सकता है तो इसलिए फिर मैं जो हूँ वन से स्टार्ट करती हूँ उसके बाद फिर इसके नंबर्स बढ़ाती रहती हूँ उसकी स्पीड जो है वो तेज़ करती रहती हूँ तो सिंपली ऑयल डालना है पानी डालना है और नमक डालना है अगर आप डालते हैं तो बस इसको आपने नीर होने के लिए रख देना है मतलब ये बहुत हैंडी चीज़ है क्योंकि आप अगर एक तरफ़ खाना बना रहे हैं तो दूसरी तरफ आपका आटा गुन जाता है और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है आटे को ताकि आपकी रोटियां जो है वो अच्छी बन जाए और यहाँ पर मैं वो ग्रेटर मशीन यूज़ कर रही हूँ जो मैंने टीमू से ऑर्डर करी है और इसके अंदर सारे टाइप के आपको ब्लेड्स वाले स्लाइस भी मिल जाते हैं और मजे की बात पता है क्या इसके अंदर ही स्पेस बना हुआ है आप निकालें और उसको यूज़ करके वापस अंदर रख दें मतलब कोई इतना मेस भी नहीं होगा एक ही जगह पर आपको सारे ब्लेड्स आपके मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे से जो है वो स्लाइस भी हो गया था काफ़ी शार्प जो है वो ब्लेड्स हैं इसके तो बस ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो घर में होना ज़रूरी होता है मतलब आसानी हो जाती है ज़िंदगी आसान हो जाती है अब यहाँ पर हम सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं मैंने देसी घी डाला है मैं आज देसी घी में ही सब्ज़ी बनाऊंगी जो प्याज़ है वो मैंने हैंड चॉपर में डाल दी है इसको भी मैं चॉप कर लूँगी क्योंकि आ, जो सब्ज़ी होती है ना उसमें प्याज़ हमेशा बारीक बारीक काट कर ही ऐड कर दी ताकि वो सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला जो है वो बहुत अच्छे से बन जाए अब यहाँ पर देखें कि प्याज जो है वो काफ़ी अच्छे से चॉप्ड हो गई थी मतलब बिल्कुल फाइनली चॉप्ड हो गई थी बहुत ही जल्दी तो ये मैं जो हूँ घी में ऐड कर दूँगी देसी घी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थी घी है कंपैरिजन टू अदर घी और अदर ऑयल तो हम मैं uh, कोशिश यही करती हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ तो थोड़ा सा मैं देसी घी भी इसमें ऐड कर दूँ तो जब हल्की सी प्याज़ थोड़ी सी पिंकिश ब्राउनिश हुई इसके अंदर मैंने दो साबित लाल मिर्च ऐड करी थी और साथ ही मैं टमाटर ऐड कर दूँगी टमाटर मैंने दो मीडियम साइज़ के लिए हैं उसको मैं बस चॉप करके ऐड कर दूँगी और आज मैं कोई डाइट नहीं करूँगी मेरा कोई अपना डाइट का खाना नहीं बनाया क्योंकि जब मैंने ये कैरेट सीखी ना मैंने कहा आज मैं स्किप करूँगी अपनी डाइट और मैंने ये सब्ज़ी लाजमी खानी है थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया अब इसको कवर करके मीडियम टू तो लो फ्लेम पर रख देंगे पाँच मिनट के लिए ताकि जो मसाला है ना वो अच्छे से भुन जाए टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए जब पाँच दस मिनट हो गए टमाटर सॉफ्ट हो गए अब मैं इसमें मसाले अपने ऐड कर दूँगी नमक डालूँगी हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला बस ये बेसिक मसाले से ऐड करने हैं और मेरा वन एंड ओनली शान का फेवरेट वेजिटेबल मसाला ये भी मैं एक चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी ये तो लाजमी ऐड किया करें नहीं अगर आपके पास है ना तो लेकर आ जाएँ सारे स्पाइसेस आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे और सब्ज़ी में भी चार चांद लग जाएंगे बहुत टेस्टी होती है अच्छा सारे मसाले डालने के बाद मैं इसमें तीन चार जो है वो छोटी वाली हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी आजकल मैं छोटी वाली हरी मिर्चें ही ऐड कर रही हूँ सरानो पेपर जो है वो बहुत उसमें कोई टेस्ट नहीं होता आप छोटी मिर्चें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मतलब सालन में ना इतनी नज़र नहीं आ रही होती हैं घुल मिल जाती हैं तो बस अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे और जो सब्ज़ी है उसमें मैंने आलू लिए हैं फ्रोज़न मेरे पास मटर थे वो और गाजरें अच्छा तो अगर आपके पास मेथी हो ना फ्रेश तो आप वो भी अभी ऐड कर दीजिएगा मेरे पास मेथी नहीं थी मैं लाना ही भूल गई थी तो बस आ, मैंने कहा अब मेथी नहीं है तो मैं कसूरी मेथी यूज़ कर लूँगी तो सब्ज़ी डालकर मिक्स करके कवर करके रख दीजिएगा थोड़ा सा पानी ऐड करके अब जब पानी ड्राई हो जाएगा साइड से ऑयल आ जाएगा तो आपने जो है वो ऊपर कसूरी मेथी ऐड कर देनी है अगर आप फ्रेश यूज़ करेंगे तो कसूरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बस मिक्स कर लेंगे और देखिएगा अगर आपके आलू और जो गाजरें हैं सब्ज़ी वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो बस आपने इसको गार्निश कर देना है जूलियन जिंजर से थोड़ी सी हरी मिर्चों से और हरा धनिया से और यहाँ पर आपकी जो सब्ज़ी है वो मज़ेदार सी बन के रेडी हो चुकी है और ये जो कैरट्स होती है ना ये तो वैसे ही सर्दियों की सौगात है तो इस तरह की चीज़ें सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं दोपहर में स्पेशली बस साथ में तो मैंने जो है वो जल्दी जल्दी रोटियां बनाई थोड़े से चावल बॉईल किए और फिर सबको खाना सर्व किया आपकी सब्ज़ी जब हो ना तो आप उसके ज़रूर पराठे बनाएं या फिर नाश्ते में खाएं तो बहुत मज़ा आता है तो ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा टीमों के सारे लिंक्स मेरे डिस्काउंट कोड आपको वहाँ पर मिल जाएंगे उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा चैनल को पहली बार देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग बाय अल्लाह हाफ